हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशीष एंड वेलकम टू पीटी पीयर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का स्कोर राइटिंग के अंदर क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है ऐसे के अंदर, क्या प्रॉब्लम आ रही है राइटिंग स्किल्स के अंदर, एक्सटेंडेड राइटिंग के अंदर उनका स्कोर क्यों नहीं आ रहा। सो देर आर मल्टीपल रीजन्स बिहाइंड इट एंड स्टूडेंट्स ने ये दिमाग में आइडिया डाल लिया है कि हमारा टेम्पलेट चेंज हो गया है या टेम्पलेट सही से वर्क नहीं कर रहा, दैट्स वाई वी आर नॉट गेटिंग स्कोर इन राइटिंग। नो, दैट्स नॉट द केस। राइटिंग के अंदर अगर आपको स्कोर लाना है तो आपको कुछ क्वेश्चंस का ध्यान रखना होता है कि उन क्वेश्चंस के अंदर अगर हम अच्छा परफॉर्म करते हैं वी विल गेट स्कोर इन राइटिंग। फर्स्ट, आपका समराइज रिटन टेक्स्ट एंड राइट एसे, अलॉन्ग विद दैट आपका रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स और राइट फ्रॉम डिक्टेशन। तो इन क्वेश्चंस के अंदर अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हो यू विल गेट योर स्कोर इन राइटिंग। अब जो स्टूडेंट्स अपने आते हैं कि सेकंड एक क्वेश्चन है अपना राइट ऐसे, उसके अंदर टेम्पलेट चेंज हो गया या नहीं। वेल, टेम्पलेट कभी था ही नहीं जो चेंज होगा। टेम्पलेट अपने यूज करते हैं टू मेक आर ग्रामेटिकल पोर्शन करेक्ट, पंक्चुएशंस करेक्ट और स्पेलिंग्स को करेक्ट करने के लिए अपने टेम्पलेट का यूज करते हैं। इफ यू डू नॉट हैव टेम्पलेट यू ऑल्सो कैन राइट, जैसे कि आईएलटीएस में लिखते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी टेम्पलेट है जिसको आप यूज कर रहे हो, ट्राई टू ऐड मोर एंड मोर कीवर्ड्स टू गेट योर स्कोर। ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड ऐड करोगे रेलेवेंट टू द टॉपिक यू विल गेट योर स्कोर इन राइटिंग। तो ट्राई करो, रेलेवेंट कीवर्ड ऐड करो, ऐसे लाइंस उठाओ, क्वेश्चन का क्वेश्चन वहां पे पुट मत कर दोगे। जैसे कि ऐसे के अंदर लाइन है व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन इंडिया, तो आप क्या कर रहे हो कि डिट्टो लाइन उठा के उस टॉपिक वाली जगह पे ऐड कर रहे हो। सो डोंट डू दैट। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ मेन कीवर्ड्स, मेन लाइंस उनको उठाकर वहां पर अपलोड करना है और वहां पर टाइप डाउन करना है। अगर आप ऐसा करोगे सो यू विल गेट योर स्कोर इन राइटिंग। तो इस चीज से ज्यादा घबराए नहीं कि टेम्पलेट चेंज हो गया, टेम्पलेट बदल गए हैं। वट एवर टेम्पलेट, विच एवर टेम्पलेट यू गाइस आर यूजिंग, यूज दैट, बट ट्राई करो उसके अंदर कीवर्ड्स को अच्छे से ऐड करने का। 1, 2, 4, 5, 10 कीवर्ड्स ऐड करो, स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स मत करो, पंक्चुएशंस को सही रखो, यू विल डेफिनेटली गेट योर स्कोर इन राइटिंग। और जो क्वेश्चंस के बारे में मैंने बताया है कि आपको उन पर फोकस करना है, इफ़ यू विल फोकस ऑन दोज क्वेश्चंस यू विल डेफिनेटली गेट योर स्कोर इन पीटी राइटिंग। और एक्सटेंडेड राइटिंग के अंदर भी आपका स्कोर आएगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस मैसेज मी DM और यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई आंसर ऑल द कमेंट्स। और आपका मेरे को व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो, इट इज़ 8302487367। वी आर लाइव ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब टू। सो जब भी कोई क्वेरी हो लेट अस नो, वी विल मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। सी यू।